दोस्तों आज की स्टोरी बात करने वाला है कैशबुक में आपने पुराना जो भी अकाउंट होगा उसमें आपने जो भी नेम रखा होगा उसको चेंज करना है, बट वहां पे आपको कुछ भी एरर आ रही है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में बताएंगे कि आपको अपने फेसबुक अकाउंट में नेम कैसे चेंज करना है और ये क्यों जरूरी है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि कुछ फ्रेंड क्या होता है कि पहले जो भी अब उसकी मैरिज नहीं होती है उससे पहले नेम जो भी होता है उसके बाद उसको चेंज करना होता है नए नेम से, जो कि मैरिज के बाद किसी का नेम भी चेंज होता है तो वो नेम से अगर रखना है तो वहाँ पे चेंज का ऑप्शन आता है लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी कैसे आपको करना है, फॉर्म फिलअप करना है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपका नेम जो फेसबुक में जो भी होगा पुराना नेम उससे चेंज होकर नया नेम में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में यही टॉपिक हमारा रहने वाला है कि नेम कैसे चेंज कर सकते हैं फेसबुक अकाउंट में। तो आज का वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के बाद आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक में आपको नेम चेंज या रियल रखने की क्यों जरूरत पड़ती है। रियल देखना मतलब कि आपका अकाउंट 99% सेफ कंडीशन में, अब होता है किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, किसी को टू स्टेप वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है, कंफर्मेशन कोड का प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है फेसबुक में, बट जब ये प्रॉब्लम आती है तो आपके अकाउंट पानी आ जाएगा जब आपका अकाउंट में नेम गलत होगा तो वो अकाउंट रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ट्रिक्स होती है जिससे आप रिकवर कर सकते हैं बट बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर रियल नेम है तो फिर आपको 99% आपके आंखों में खुशी के आंसू आएंगे क्योंकि वहाँ पे चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका अकाउंट रिकवर होने के लिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम में आपका चांस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो बात होगी रियल नेम के फायदे और गलत नेम के नुकसान, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ फ्रेंड को नेम चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, हालांकि वहाँ पे ऑप्शन दिया है आप जाएंगे अपने अकाउंट में सेटिंग में जाएंगे पर जनरल में जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन इजीली मिल जाएगा जो कि मैं आपको साइड में अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होती है क्या होता है वो बताऊंगा, आप जाएंगे गूगल की स्क्रीन पे मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ मेरा फेसबुक अकाउंट है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मैं क्रोम में आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरा ये वाला फेसबुक अकाउंट है जो कि मैं टेम्पररी यूज़ करता, फिर से बता दो कुछ फ्रेंड यहाँ पे मैसेज करेंगे कि जानकारी लेने के लिए बट मैं रिप्लाई शायद ना दे पाऊँ क्योंकि ये मेरा मोबाइल जो मेरे पास होता है बट मैं इसे आपको सिखाने के लिए यूज़ करता हूँ और अकाउंट तो बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करता फेसबुक के बारे में। अब यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, कौन से 3 लाइन, ये वाले 3 लाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग के वाले ऑप्शन में, ठीक है, आपके अकाउंट के सेटिंग में। तो चलिए यहाँ पे हम सेटिंग में क्लिक करते हैं। पहले ऑथर जो रियल आप मेथड यूज़ करने वाले मतलब जहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा अगर यहाँ से भी नहीं होता तो कौन सा फॉर्म फिलअप करना है वो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा नेम चेंज करने का, मतलब नेम आपका खुद का जो भी नेम होगा वहाँ पर मिल जाएगा, उस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है, फर्स्ट नेम आपको जो भी रखना है रख सकते हो, मिडिल में जो रखना है रख सकते हो और लास्ट नेम में जो भी रखना है रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपने पहले से लगा के रखा है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ यू चेंज योर नेम फेसबुक यू कांट चेंज अगेन 60 डेज डॉट एट एन अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन पंचुलेशन कैरेक्टर और रैंडम वर्ड। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपने एक बार नेम चेंज कर दिया तो 60 डे यानी 60 दिन पहले मतलब आज चेंज किया तो 60 दिन बाद आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा चेंज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गलत नेम रखते हैं तो फिर आपको 60 डे के लिए गलत नेम से ही आपको अकाउंट रखना पड़ेगा, ठीक है, भी फिर बाद में यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 60 डे के बाद भी किसी फ्रेंड को नहीं होता है तो भी क्या करना है वो बता पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप जो भी देना दे सकते हो, उसके बाद रिव्यू चेंज पे करना है और आपको आई थिंक मेरे ख्याल से पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके इस अकाउंट का होगा। यहाँ पे जो नया नेम ऐड करना है आपको, ठीक है, पुराना वाला तो है लेकिन आपको उसको डिलीट कर देना कैसे, यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी रखना है इस तरह से निकाल के आपको नया नेम जो भी रखना है रख सकते हो, बट ये आपको 60 डे के अंदर पहले से चेंज ना करा होगा तभी आपको करना है, मतलब आज आप कर रहे हो तो 60 डे आपको और वेट करना होगा नया नाम के लिए, ठीक है। उसके बाद रिव्यू चेंज करना है, आई थिंक मेरे पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आपको वहाँ पे डाल देगा और फिर आपका नेम चेंज हो जाएगा कुछ ही टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 सेकंड लगे जब भी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये हो गया लीगल मेथड जहाँ पे आप इजीली चेंज कर सकते हो, बट किसी फ्रेंड को 60 डे के बाद भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको
सिंपली आपको एक मैं वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, हालांकि वेबसाइट ऑफिशियल इसकी है फेसबुक की, तो वहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है उस फॉर्म को, जो फॉर्म होता है उस पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पे मैंने लिंक नीचे दे दी है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्म है आपको फिलअप करना होता है, जो कि मैं लिंक मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे करना क्या है, न्यू फर्स्ट नेम, नया फर्स्ट नेम आपको पुराना वाला नहीं देना, जो ऑलरेडी है वो नहीं देना, न्यू फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो मैंने पहले बताया वैसा ही देना है, बट न्यू यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो न्यू मतलब नया, ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे नया फर्स्ट नेम लेना है, नया मिडिल नेम लेना है, जो कि बीच में जो होता है आपको रखना है तो रख सकते हो, ऑप्शनल है और जरूरी है, ठीक है। और न्यू लास्ट नेम आपको देना, मतलब नया लास्ट नेम देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे पिक करना है वन, पिक वन मतलब यहाँ पे एक क्यू जरूरी है, आपको क्यू चेंज करना है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज चेंज, आपने कुछ लैंग्वेज कुछ आपकी मदर लैंग्वेज में लिख दिया, फिर आपको इंग्लिश में लिखना है, ऐसे लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी स्पेलिंग मिस्टेक लिख सकते हो। चेंज इन मैरिटल स्टेटस, आपको आपकी शादी होती है उसके बाद जो नेम बनता है वो रखना है, वो रख सकते हो। लीगल नेम चेंज करना है, लीगल नेम बनाना आपको, मतलब लीगल नेम रखना है, जो गलत नेम होता है पहले से फेक नेम होता है तो लीगल नेम रखना है, तो वो भी यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे निक नेम रखना है वो है। जेंडर ट्रांजेक्शन के बारे में आपको यहाँ पे टिक मार कर सकते हो, या फिर आप इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब इसमें से आपको कोई भी रीजन नहीं है, तो फिर अदा करके आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। इसके बाद आपको चूज फाइल में क्या करना है, आपको एक आइडेंटिटी अपलोड करनी होगी जो कि आपके रियल नेम से होगी, ठीक है। आपको जो भी नेम रखना है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे अपलोड कर लेगी, जैसे आइडेंटिटी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिटी यूज होती है, तो यहाँ पे वॉट टाइप आइडेंटिटी आईडी डस फेसबुक एक्सेप्ट, कौन सी आईडी फेसबुक एक्सेप्ट करता है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी रखी है, जो कि आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप अपलोड करते हैं वो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है, तो सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ही टाइम के लिए 24 घंटे मैक्सिमम 48 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपका नेम चेंज हो जाएगा, या फिर आपको हो सके तो ईमेल वगैरह लिंक होगी तो वहाँ पे लिंक मिल सकती है, उस पर क्लिक करके भी नया नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है तो, बट आपको इस तरह सेंड करना है, उसके बाद नेम चेंज हो जाएगा। और लीगल मेथड यानी कि जो ऑलरेडी दी हुए मेथड वो आप यूज़ करना चाहते हो तो पहले मैंने बताया वो कर सकते हो, अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर आप ये फॉर्म फिलअप करके सेंड कर सकते हो, ठीक है, फेसबुक को, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बस आज के इस वीडियो में बस इतना था, उम्मीद करते हैं आज का जरूर वीडियो पसंद आएगा, लाइक कर लीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।